आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, मैं हूं आपके साथ अंजलि। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों पर आइए डालते हैं एक नज़र। आजमगढ़ जनपद भ्रमण पर निकले राष्ट्रवादी युवा अधिकार मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष शशांक शेखर सिंह पुष्कर ने जनहित व नौजवानों बेरोजगारों की समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे और एक मांग पत्रक महामहिम राष्ट्रपति को संबोधित सौंपते हुए पत्रकारों से हुई बातचीत में कहा कि हम मांग पत्र के माध्यम से मांग करते हैं कि युवा आधारित नीति के तहत राष्ट्रीय युवा आयोग की गठन की जाए। माध्यमिक हाई स्कूल की पढ़ाई के बाद रोजगार आधारित नीति के तहत योग्यता कुशलता के आधार पर राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना का गठन की जाए। शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार मिलने तक बेरोजगारी भत्ता व परिवार में एक सदस्य को सरकारी नौकरी का प्रबंध किया जाए। बेरोजगारों का प्रतियोगी परीक्षा निःशुल्क हो। सरकारी संस्थाओं में आउटसोर्सिंग प्रथा समाप्त करें। सरकारी संस्थाओं के लिए निजीकरण पर तत्काल रोक लगाई जाए। जनपद आजमगढ़ की सड़कों को गड्ढा मुक्त, अघोषित बिजली कटौती बंद हो। आजमगढ़ स्थित राजकीय विश्वविद्यालय के निर्माण में तेजी एवं कुलपति की नियुक्ति कर पठन पाठन को सुचारू रूप से संचालित की जाए। जनपद आजमगढ़ के देवरांचल में स्थित महुला गढ़वल बांध पर कार्य योजना तैयार कर अस्थायी समाधान सुनिश्चित हो। महुला गढ़वल बांध से सटे अजगरा मगरवी से उत्तर बेलरिया ढाला से लगभग 1.5 दर्जन गांव को जोड़ने वाली पुल का निर्माण हो ताकि स्थानीय लोगों की समस्याओं से मुक्ति मिल सके। पुरानी जेल रोड पर बदबूदार कूड़ा घर को शहर से बाहर शिफ्ट किया जाए ताकि वहां से गुजरने वाले नागरिकों को दुर्गंध से निजात मिल सके। इस मौके पर विवेक सिंह, सगरेंद्र बहादुर सिंह, सुजीत गुप्ता, डॉक्टर अवनीश कुमार राय, अनुराग सिंह, अंकित गुप्ता, सुनील दुबे सहित काफी संख्या में लोग उपस्थित रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, अमित खरवार। आज मैं जनपद आजमगढ़ के 5 दिवसीय भ्रमण कार्यक्रम पे था, जनसंपर्क कार्यक्रम में था। विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में मैंने भ्रमण किया, नौजवानों से बातचीत किया, संवाद किया। इसके बाद जो समस्याएं जनपद की थी, जैसे मैं महुला गढ़वल बांध के पास मैंने निरीक्षण किया, देखा कि वहां एक पुल का निर्माण हुआ नहीं हो रहा है काफ़ी दिनों से, और जब बाढ़ का समय आता है तो वहां अधिकारियों का दौरा होता है। मेरा ऐसा मानना है कि समय रहते महुला गढ़वल बांध के पास पुल के निर्माण के साथ साथ एक विस्तृत कार्य योजना तैयार होनी चाहिए और शहर में ही एक पुरानी जेल के पास एक बदबूदार स्थान बनाया गया है जो आते जाते शहरवासियों के लिए, जो भी शहर में आता है, वो कूड़ा घर को कहीं अदर बाहर स्थानांतरित किए जाने के संबंध छात्रों, नौजवानों, बेरोजगारों की समस्याओं को लेकर के, राष्ट्रीय युवा आयोग के गठन को लेकर के, राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम को लागू करने के लिए, ये तमाम मुद्दों को लेकर के मैंने 8 सूत्री ज्ञापन महामहिम राष्ट्रपति महोदय को जिलाधिकारी आजमगढ़ के माध्यम से ज्ञापन दिया है। मैं शशांक शेखर सिंह पुष्कर, राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रवादी युवा अधिकार मंच। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ न्यूज 9 भारत पर। अब चाहूंगी इजाजत, नमस्कार।